दिवाली 31 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज और फिर छठ पूजा का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। छठ पूजा की बात करें तो ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब देश के कई राज्यों के साथ ही विदेशों में रहने वाले हिंदू लोग भी इसे धूमधाम से मनाने लगे हैं। आस्था का प्रतीक छठ को महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें शुरुआत होती है नहाए खाए और खरना से, फिर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा करते हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, महापर्व छठ में किस दिन शाम का अर्घ और कब दिया जाएगा, साथ ही सूर्य देवता को सुबह अर्घ देने का समय क्या है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तारीख से लेकर सप्तमी तिथि तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से की जाती है और दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम में डूबते सूर्य को व्रती नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को फिर अर्घ दिया जाता है। डूबते सूर्य को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अर्घ दिया जाता है, तो वहीं उगते सूर्य देवता को सप्तमी तिथि को व्रती अर्घ देते हैं। इसी के साथ छठ पर्व का पारण किया जाता है। आपको बता दें कि जो लोग छठ पूजा का व्रत रखते हैं वो खरना के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। कब है छठ पूजा का शुभ मुहूर्त? 7 नवंबर को रात 12:41 पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को 12:34 पर इसका समापन होगा। इस तरह से शाम के समय का अर्घ 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ 8 नवंबर को दिया जाएगा। नहाए खाए और खरना कब? नहाए खाए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि यानी 5 नवंबर को है, जबकि खरना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 6 नवंबर को है। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम में व्रती छठी मैया की पूजा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसी के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।